कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। मिलके राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। उजाला हो नहीं सकता बिना जोत के उजाला हो नहीं सकता बिना दिल के कोई दिल वाला हो नहीं सकता। भजन सुनकर ताली ना बजाने वाला भजन सुनकर ताली ना बजाने वाला प्रभु के हो नहीं सकता। यहाँ पर कितने मतवाले हैं कितने दीवाने हैं प्रभु के कितने हैं सारे के सारे दीवाने हैं मतवाले हैं प्रभु के नाम के प्रभु की भक्ति के दीवाने हैं। तो यदि आप सब दीवाने हैं तो दीवानों की तरह तालियां बजाते हुए एक साथ कैसे। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए घर चाहिए इनायत भरी एक नजर चाहिए नजर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को नजर चाहिए नजर चाहिए इनायत भरी एक नजर चाहिए नजर चाहिए। मिलेगा जो भी मांगोगे प्रभु द्वार से मगर प्यार से चाहिए अजर चाहिए। मिलेगा जो भी मांगोगे अगर प्यार से प्यार से प्यार से इरादों में इतना असर चाहिए असर चाहिए। मोहब्बत का खजाना कभी न कम होता है प्रभु के दर आने वालों को कभी न गम होता है। मगर तालियां तो वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। और आप सबके हाथों में कितना दम है ये तो आपकी तालियां ही बता सकती हैं। कैसे एक दो तीन चार के दर्शन सावरिया के बावली हो गई बगली बावली
प्रभु का प्रेम ऐसा होता है कि प्रभु चाहे सुख दे चाहे दुख, सब स्वीकार होना चाहिए, क्योंकि वो जो भी देते हैं उसके पीछे कोई ना कोई अच्छाई होती है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, सुध बुध मेरी खो गई, हो गई काना की मैं हो गई, सुध बुध मेरी खो गई, काना की मैं हो गई, जग घूमे आधार जैसा न कोई, 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 प्यारे 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 घर भी न लगे नहीं होते हैं तो
आग्रह करूंगा कि मुझे कम शब्दों में आनंद नहीं आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले आग्रह करता हूं कि आदरणीय शिवराज जी आए, क्योंकि शिवराज जी से हमको यहां अपने ऊपर आशीर्वाद भी लेना है, उसका उनका आगे कार्यक्रम भी है, और अवधेशानंद जी स्वामी जी के हमको लंबा आशीर्वाद चाहिए, इसलिए मैंने आग्रह पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से कर लिया। एक बार जोरदार तालियों स्वागत करिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। बोलिए भारत माता की। ऐसे नहीं, आवाज जरा पूरे हिंदुस्तान में गूंजना चाहिए यार। भारत माता की, सियावर रामचंद्र की, पवनसुत हनुमान की, उमापति महादेव की, परम पूज्य संत समाज की, आज अद्भुत दृश्य है। महाकुंभ का नजारा है और इस शुभ और पवित्र अवसर पर जहां आनंद की वर्षा हो रही है, हमारे बीच कृपा करके पधारे हुए जूना पीठाधीश्वर परम पूज्य स्वामी आचार्य महामंडलेश्वर अध्यक्ष हिंदू धर्म आचार्य सभा
स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज, उनके चरणों में प्रणाम, जिनका आशीर्वाद लगातार यहां हमें मिलेगा और जिनकी कृपा से ही आज इतना बड़ा आयोजन संजय पाठक जी को प्रेरणा मिली और संपन्न हो रहा है। ऐसे परम पूज्य स्वामी जगतगुरु श्री राम भद्राचार्य जी तुलसी पीठाधीश्वर, उनके चरणों में भी श्रद्धा सहित हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। आदरणीय अश्विन चौबे जी, हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, यशस्वी सांसद, आदरणीय बीडी शर्मा जी, भाई दयाशंकर जी, डॉक्टर राघवेश दास जी, आदरणीय डॉक्टर गिरीश त्रिपाठी जी, और जिनको ये सद्प्रेरणा सद्बुद्ध गुरु कृपा से, ईश्वर की कृपा से, परम पूज्य स्वर्गवासी पिताजी की कृपा और आशीर्वाद से ये प्रेरणा मिली कि इस क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र धर्म क्षेत्र में बदल दिया जाए। ऐसे हमारे अनुज यहाँ के विधायक आदरणीय संजय पाठक जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय संत समाज, उपस्थित मेरी लाडली बहनाओं, भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको राम राम। यह अद्भुत दृश्य है संजय जी, इस तरह के संस्कार और विचार ये ईश्वर की कृपा से और गुरुओं के आशीर्वाद से ही प्राप्त होते हैं कि हम ऐसा क्षेत्र बनाएं। अभी संजय बता रहे थे, चाहे पानी का सवाल हो, सड़कों का मामला हो, स्कूल बनाना हो, पुल पुलिया बनाना हो, जनता के कल्याण के बाकी काम करना हो, वो सारे काम करके ये लोग तो जनता का सुधर ही रहा था, लेकिन संजय तुमने तो परलोक सुधारने का भी संकल्प ले लिया। ये बात सच है, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई रोजगार का इंतजाम ये चाहिए, लेकिन इससे ही मनुष्य सुखी नहीं रहता। कभी न कभी इच्छा होती है मरने के पहले चारों धाम हो जाए, यहां पर सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन हो जाए, सब देवताओं की पूजा कर लें, तो सचमुच में ये प्रेरणा, सचमुच में ये लगता है कि जिंदगी सफल हो गई। और इसी विचार से हमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ की थी, क्योंकि एक सभा में मैं बुजुर्गों की बैठा था, तो हमने पूछा बुजुर्गों के लिए क्या करना चाहिए। एक बूढ़े बाबा खड़े हो गए कि रोटी वोटी तो ठीक है रे शिवराज, मरने के पहले एक बार तीर्थ यात्रा तो करवा दे, हम तीर्थ जाना चाहते हैं। लेकिन संजय, आपने तो सारे तीर्थ यही उतारने का फैसला किया है, मैं आपके इस शुभ संकल्प के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जनता की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है, लेकिन आपने तो भगवान की पूजा का भी यहां पे इंतजाम किया है। जो कल्पना आपने की है बड़ी सुंदर कल्पना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो कल्पना जमीन पर मूर्त रूप निश्चित तौर पर लेगी और उस कल्पना को यहां धरती पर मूर्त रूप लेने के लिए जिस भी सहयोग की आवश्यकता होगी वो सारा सहयोग किया जाएगा, हम सब मिलकर सहयोग करेंगे। बोलिए करेंगे कि नहीं करेंगे, अरे जोर से बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे। ये शुभ संकल्प है आप, जिसमें सबका सहयोग आपने मांगा है, मैं तो साथ हूं ही। सरकार की तरफ से संस्कृत महाविद्यालय जैसी जो चीजें आवश्यक है और की जा सकती है वो सरकार की तरफ से करेंगे, और बाकी काम जनता के साथ मिलके करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। मैं शुभ संकल्प के लिए बारंबार आपको बधाई देता हूं। आज बड़ी संख्या में
भाई तो है ही, लेकिन भाई से ज्यादा मुझे लाडली बहनाएं यहां से लेके वहां तक दिखाई दे रही है। मेरी बहनाओं, एक तरफ धर्म जरूरी है, पूजा जरूरी है, दर्शन जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ भूखे भजन ना होए गोपाला वो भी जरूरी है। और इसलिए अपनी सब लाडली बहनाओं को जो गरीब परिवार से आती है, हमने फैसला किया कि गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की आने वाली हमारी सारी बहनाओं को हर महीना 1,000 रुपया उनके खाते में डाले जाएंगे, ताकि कोई भी बहन मजबूर ना रहे, मजबूत बने, जिंदगी की छोटी मोटी जरूरतें पूरी हो जाए। अब छोटी सी भी जरूरत पड़ गई और बेटा बेटी आया और कहा माँ कपड़ा दिलवा दे, किताब दिलवा दे, कई बार बच्चे जिद करते गर्मी में आइसक्रीम खिला दे माँ, और पैसा नहीं होते तो मन कितना बेचैन होता है। मेरी बहनों, उस बेवसी को अब दूर कर दिया गया है, और ये केवल 1,000 नहीं रहेगा, धीरे धीरे बढ़ाते हुए 3,000 रुपए तक ये जाएगा लाडली बहनाओं के लिए। बोलो बहनों, अच्छी योजना है? एक बार जोर से बोलो, अच्छी योजना है? तो ये लोग भी सुधरे और संजू पर लोग भी सुधारो यार, सरकार की तरफ से ये सारे इंतजाम कर रहे हैं ये लोग सुधारने के लिए, और हरिहर तीर्थ बन गया पर लोग सुधारने के लिए। और आनंद का विषय है क्या, परम पूज्य राम भद्राचार्य जी की कथा यहाँ होगी, अमृत की वर्षा करेंगे, अद्भुत संत हैं वो, ज्ञान चक्षु उनके ऐसे है कि हमको सबको वो नई दिशा दिखा देते हैं, मानव जीवन सफल बना देते हैं। लेकिन एक और सबसे बड़ी बात, इस शुभ अवसर पर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज पधारे हुए, उनके आशीर्वचन हमको मिलेगा, उनका मार्गदर्शन मिलेगा, और उनके शब्दों को सुनकर हमारा जीवन धन्य होगा। मैं दोनों परम श्रेष्ठ संतों का मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप भी तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और कल श्री श्री रविशंकर जी और बाकी संत पधारने वाले हैं, तो यहां तो आनंद की वर्षा होने वाली है, और इसलिए मेरे लंबे भाषण की जरूरत नहीं है। मैं तो आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ जनता की जिंदगी बेहतर बने, उसके लिए भी संजू लगे हुए हैं, मध्य प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं, देश में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत लगातार प्रगति कर रहा है, एक वैभवशाली गौरवशाली समृद्ध भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आइए हम सब संकल्प लें कि इस पवित्र प्रकल्प की पूर्ति में हम अपनी ओर से भी कोई ना कोई योगदान जरूर देंगे, और आपका आशीर्वाद हमेशा अच्छे कामों को मिलना चाहिए। और इसलिए मेरे साथ इस शुभ संकल्प की पूर्ति के लिए अपनी ओर से आप योगदान देने का संकल्प लेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधें और मेरे साथ बोलें, भारत माता की गौ माता की, भारत माता की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।